बीजेवाईएम सिटी प्रेसिडेंट नितिन नांदकर ने चादरघाट गवर्नमेंट स्कूल का दौरा किया, क्योंकि पिछले 5 दिनों से स्कूल में बच्चों को बिना लाइट के ही पढ़ाया जा रहा है। गन फाउंड्री कॉरपोरेटर जामबाग बीजेवाईएम टीम ने स्कूल पहुंचकर वहां का तफसीली जायजा लिया और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात की। फौरन वहां पर बर्की को बहाल करने के लिए तनकीद करते हुए गुस्से का भी इजहार किया। इस मौके पर गन फाउंड्री डिवीजन के सुरेखा ओम प्रकाश भी मौजूद थे। इसके अलावा वहां पर दीगर सियासी लीडर्स भी मौजूद थे। मासूम बच्चों को बिना लाइट और बिना फैन के ही पढ़ाया जा रहा था। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी कोई अमली काम नहीं किया गया, जिस पर नितिन नांदकर ने भी बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर नितिन नांदकर ने सीएम केसीआर की कारकर्दगी पर भी शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने बताया कि जब सीएम केसीआर हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए के खर्च से सेक्रेटरियट की मसाजिद और दीगर जगहों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, तो बच्चों के मुस्तकबिल के मुकाम यानी स्कूल में सहूलतें बच्चों को क्यों फराहम नहीं की जा रही है। गन फाउंड्री डिवीजन डॉक्टर सुरेखा ओम प्रकाश जी गवर्नमेंट स्कूल का दौरा किया, जिसमें 5 दिन से उनको लगातार ये फोन आ रहे कि बच्चों को क्लासेस में लाइट नहीं है। तो जब यहां पर हमने दौरा करने के लिए कॉर्पोरेटर साहब आए तो एडी को डीई को सबको फोन मार रहे, करंट अब भी जाते। 5 दिन से ना वो करंट का सुविधा कर रहे, ना करंट स्कूल में आया। रूम में बच्चे पूरे अंधेरे में पढ़ रहे, ना बच्चों को दिख रहा, ना यहाँ पे टीचर्स को दिख रहा। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जिस तरह से पूरे तेलंगाना में लाइट फ्री जो बोल रहे, उनको शर्म आनी चाहिए कि हजारों करोड़ों रुपए लगाकर सेक्रेटरिएट बना रहे, कलेक्टर को महंगी महंगी गाड़ियां दे रहे, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर काम कर रहे, जहां पर जरूरत है वहां पर काम नहीं कर रहे। और दूसरा जीवन रेड्डी, जो जगदीश्वर रेड्डी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक भी तेलंगाना में सिर्फ ये गन फाउंड्री डिवीजन में स्कूल का प्रॉब्लम नहीं है, तेलंगाना में कई स्कूलों में लाइट का प्रॉब्लम है। तो जगदीश्वर रेड्डी, क्या आप सो रहे? क्या आपके घर में लाइट नहीं है? आपके घर में गए तो लाइट है, एसी है, टीवी है, हर चीज की सुविधा है। तो जगदीश्वर रेड्डी हो या मुख्यमंत्री हो, जल्द से जल्द तेलंगाना में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में लाइट है, लाइट आए। और गन फाउंड्री डिवीजन में जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो लाइट के लिए प्रॉब्लम कर रहे, अगर जल्द से जल्द लाइट का प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करे, तो हम कारपेंटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भारी तादाद में धरना करेंगे और जल्द से जल्द इसको सॉल्व करेंगे।